प्रदेश शिक्षक संघों ने संयुक्त रूप से प्रदेश सरकार की ट्रांसफर पॉलिसी का विरोध किया है और विरोध स्वरूप सरकार को चेताया है कि अगर ट्रांसफर नीति में फेरबदल किए गए तो सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। इसी संदर्भ में संयुक्त शिक्षक संघ का प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति से मिला और उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल, मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री को सौंपे गए ज्ञापन पत्र में स्थानांतरण नीति को प्रदेश में एक समान बनाने के लिए गुहार लगाई गई। हिमाचल हेडमास्टर ऑफिस कैडर संघ के प्रधान मदन ठाकुर ने कहा कि उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर सरकार को भेजा गया है जिसमें अध्यापकों की ट्रांसफर पॉलिसी का विरोध जताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित शिक्षक स्थानांतरण अधिनियम 2018 शिक्षक हित में नहीं है। शिक्षक संघों ने मांग की है कि सिविल सेवा नियमों के तहत सभी विभागों के कर्मचारियों के लिए एक समान स्थानांतरण नीति होती है। शिक्षक के लिए कोई अलग स्थानांतरण नीति संविधान द्वारा तैयार नहीं की गई है। सभी संघों के पदाधिकारियों की मांग है कि स्थानांतरण अधिनियम सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए एक समान बनाई जाए। एसडीएम साहब के साथ साथ जिलाधीश महोदय से मिले, हम सभी संगठनों ने, शिक्षक संगठनों ने प्रदेश स्तर और जिला स्तर के जो शिक्षकों के प्रतिनिधि हैं एक संयुक्त ज्ञापन दिया जिसमें हमने ट्रांसफर पॉलिसी का विरोध किया। सरकार द्वारा ट्रांसफर एक्ट बनाया जा रहा है जिसमें काफी संशोधन किए जा रहे हैं और केवल टीचर्स के लिए एक्ट बनाया जा रहा है। इससे पहले सभी कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी है। हम चाहते हैं कि अगर एक्ट बनाना है तो सभी कर्मचारियों के लिए बनाया जाए, अन्यथा ये जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है इसी में सुधार हो और सभी कर्मचारियों को इस दायरे में लिया जाए। केवल अध्यापकों के लिए ये एक्ट सरकार बनाती है तो हम इसके विरोध में उतरेंगे, सड़कों में भी उतरेंगे और जन जन तक इस बात को शिक्षक सरकार की शिक्षक विरोधी नीति के बारे में बताएंगे, क्योंकि शिक्षक ही हर प्रकार का जो कर्मचारी है उसको पैदा करता है। आज के संदर्भ में मैं ये कहूँगा कि सरकारी स्कूलों में सरकार द्वारा इतने कार्य शिक्षकों को दिए जा रहे हैं, ऊपर से ये एक एक्ट का भय जिससे बच्चों की पढ़ाई भी बाधित होगी और कर्मचारी वर्ग जो है, खासकर अध्यापक जो है, वो अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। तो हम सरकार तक ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि सरकार जो है इस पर पुनर्विचार करे और केवल कुछ संशोधन हमें विश्वास में लेके, सभी अध्यापक शिक्षक संगठनों को साथ में लेके, हमारे से विचार विमर्श करके, जो कि हमने डायरेक्टर महोदय से मीटिंग की है 9 मार्च को, उसमें भी ये निर्णय हुआ है कि अप्रैल में वो दोबारा हमें बुलाएंगे जिला मुख्यालय के सभी पदाधिकारियों को प्रदेश मुख्यालय में बुलाएंगे और इस एक्ट पर चर्चा करने के बाद सरकार को प्रेरित करेंगे। तो मेरा डीसी महोदय के माध्यम से भी यही सुझाव हम सभी संगठनों ने भेजा कि हमें विश्वास में लेकर नीति एक्ट जो है उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाए। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश शिक्षक महासंघ जिला हमीरपुर, प्रदेश राजकीय अध्यापक संघ, प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ, प्रदेश पदोन्नत स्कूल प्रवक्ता संघ, प्रदेश हेडमास्टर ऑफिसर कैडर संघ, प्रदेश विज्ञान अध्यापक संघ, प्रदेश प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक संघ, प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ, प्रदेश डीपीआई संघ, प्रदेश स्कूल शिक्षक परिषद, प्रदेश सीएनवी अध्यापक संघ एवं प्रदेश शारीरिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस मौके पर जगवीर चंदेल, मदन ठाकुर, राकेश शर्मा, सुरेश कौशल, रविन्द्र कुमार, यशवीर विजय गौतम, मुकेश कुमार, संजय कुमार, सुरेंद्र ठाकुर, प्रदीप ठाकुर, विपिन तथा जगदीश चंद मौजूद रहे।